जो खड़ी फसल में 15 से 20 दिन की हो गई है फसल, उसमें और खरपतवार 2 से 4 पत्ती की अवस्था में उस समय इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें है एमेजेथापिन, ये सभी मिश्रित खरपतवार को नष्ट करता है। सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों ही खरपतवार के लिए बहुत अच्छा है। ये 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसको उपयोग कर सकते हैं। अब जो मैं दूसरे खरपतवार नाशक बता रहा हूँ वो केवल सकरी पत्ती वालों को नियंत्रित करते हैं, जैसे क्विज़ोलोफॉफ इथाइल 10 EC, फिनॉक्सीप्रॉफ पी इथाइल और क्विज़ोलोफॉफ पी टेफुरिल और फ्लूजीफॉफ पी ब्यूटाइल और प्रोपोक्विज़ोफॉफ, ये सभी सकरी पत्तियों को नष्ट करते हैं। और लगभग 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इनका छिड़काव किया जाए तो सकरी पत्ती का समूल नियंत्रण होता है। तो इस तरह से इनका उपयोग कर सकते हैं, या जहाँ पर केवल चौड़ी पत्ती वाले ज़्यादा खरपतवार हो वहाँ पर फ्लूथियासेट मिथाइल 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस तरह से आप कोई सा भी एक खरपतवार नाशक का उपयोग करें, जिससे समय रहते हुए समय से खरपतवार का नियंत्रण हो जाए और फसल को नुकसान न हो। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले दोनों प्रकार के खरपतवार सोयाबीन में पाए जाते हैं, तो उस लिए कुछ कंपनियों ने दो केमिकल को मिला के एक बना दिया है, जिससे कि दोनों मिश्रित खरपतवार को नष्ट कर सके, सकरी पत्ती वाले भी और चौड़ी पत्ती वाले भी। तो ये मिश्रित खरपतवार नाशक बाज़ार में उपलब्ध हैं, जैसे फ्लूजीफॉफ पी ब्यूटाइल प्लस फोमेसाफोन 1 लीटर प्रति हेक्टेयर, इमेजेथापिर प्लस एमाजामॉक्स 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर, प्रोपोक्विज़ोफॉफ प्लस इमेजेथापिर 2 लीटर प्रति हेक्टेयर और सोडियम एसोफ्लोरोफेन प्लस क्लोडिनोफॉफ प्रोपारजिल 1 लीटर प्रति हेक्टेयर। तो ये मिश्रित खरपतवार जहाँ भी होते हैं तो ये कॉम्बिनेशन वाले हम खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं, और एक ही खरपतवार नाशक का प्रयोग करने से मिश्रित खरपतवार का समूल नष्ट हो जाता है। इसलिए दूसरी बात विशेष ध्यान रखें कि जब भी इन रसायनों का उपयोग करें तो आप रसायन चक्र का पालन जरूर करें, हर साल एक ही खरपतवार का उपयोग न करें, जिससे यदि हम एक ही खरपतवार का उपयोग बार बार करते हैं तो खरपतवार में रेजिस्टेंस आ जाता है और उस खरपतवार नाशक दवाई से वो नियंत्रित नहीं होता है।